शिवपुरी में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक पूर्व आरक्षक ने आवेदन देकर जीपीएफ की गुहार लगाई है। पूर्व आरक्षक ने बताया कि 25 साल पहले उसे नौकरी से अनुपस्थिति के कारण निकाल दिया गया था। जानकारी के अनुसार लल्लन सिंह आदिवासी पुत्र गोपाल आदिवासी निवासी ग्राम वीरपुर तहसील पिछौर ने आज एसएसपी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल को आवेदन सौंप कर बताया कि वे पुलिस लाइन शिवपुरी में आरक्षक नंबर 295 31 दिसंबर 1991 से 1 अप्रैल 1999 तक आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वहीं गैर हाजिरी के अपराध में सेवा से पृथक कर नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस विभाग में हर बार आवेदन वे देता रहा। उसने बताया कि गरीबी होने के कारण, योग्यता में कम होने के कारण उसे नौकरी से गैर हाजिरी का आरोप लगा कर निकाल दिया गया था। आज एसएससी को आवेदन सौंप कर जीपीएस में कटौती को लेकर गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? लल्लन सिंह आदिवासी। कहाँ से आए हो? ग्राम वीरपुर परगना पिछपुर। क्या समस्या लेके एसपी ऑफिस आए हो? साहब जो है नौकरी के चक्कर में घूमता रहा, 20 साल हो गए। इसके बाद मैंने सोचा कि जो है मेरा जीपीएफ दिलाया जाए। किस चीज़ में नौकरी थी आपकी? आरक्षक नंबर 295 पुलिस लाइन शिवपुरी में। तो क्या कुछ आपके साथ हुआ था? बस गैर हाजिरी का आरोप लगा कर के। गैर हाजिरी का मतलब कितने दिन की गैर हाजिरी आपकी लगा के आपके आरोप ऐसे लगाया? तीन महीना की थी उस समय। 3 महीने की? लेकिन उस 3 महीने के अंतराल में आप मतलब ऑन ड्यूटी रह गए? नहीं, भटकता रहा मैं। आप अपनी वापसी के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसे 3 महीना हो गए थे। तो आज एसपी ऑफिस आए हो तो फिर क्या उस चीज़ के लिए आए हो आप लोग? कहीं जो है जब नौकरी वापस नहीं मिल रही तो जीपीएफ मिल जाए मेरा। तो पहले जीपीएफ मगर मिला था क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया मुझसे? और पैसे जमा करवा लिए थे, किट के पूरी किट जमा करवाई थी, रुपये 6,000 नगद दे के गौते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? अब मुझे या तो नौकरी मिल जाए, नौकरी ना मिले तो मैं जीपीएफ निकाल दिया जाए।